वजीर आला, इतने मुबारक मौके पर दावत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही बेहतरीन ख्याल है अली साहब। शहजादी, हम आपके मंगेतर ही नहीं बल्कि पूरे बगदाद के वजीर आला हैं। हम खुद कोई दावत की तैयारियां करवाते हैं। करवाइए मत वजीर आला, खुद कीजिए, वो भी अपनी कड़ी निगरानी के अंदर। महल की सजावट से लेकर खाने तक सब आप करिए। काला चोर क्या कर रहा है? पर जो भी कर रहा है कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा। हाँ तो समझी, हो गया। कल के जश्न का जिम्मा भाईजान का, अब पूरा दरबार, बावर्ची खाना, घुसल खाना, मेरा मतलब है महल का कोना कोना मेरे भाईजान के नूरानी चेहरे जैसा चमकेगा। आप लोग देखते रह जाएंगे। बस फिर देर किस बात की, हमें शहर में कल के जश्न और दावत का ऐलान करवा देना चाहिए। हाँ हाँ तो समझी, हो गया, है ना भाईजान? बेहतरीन, कल का जश्न सुल्ताना के लिए यादगार होने वाला है, क्योंकि कल ऐसा तमाशा होगा जो ना किसी ने पहले देखा होगा ना सुना होगा। हमारी तस्वीर ये छोड़ो, मैं एक बात बताओ जी, तुम्हें ये काम दिया गया था ना कि तुम हमारी और उस आईने की हिफाजत करो जी, तो फर्ज निभाने का वक्त आया तो तुम भागिए। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं? भागना दौड़ना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मेरा मतलब, कैसी बातें कर रहे हैं आका? मैं बाहर गया था वो जिंदा मुर्दों को आपसे दूर रखने के लिए, ताकि वो मेरे पीछे पड़े आपके नहीं। अब ऐसा ही हुआ, यहाँ आप बेहोश हो गए और वो मेरे पीछे पड़ गए। यहाँ मैंने अपनी जान पे खेल के आपको बचाने की कोशिश की और आप मुझे डांट रहे। अरे हम डांट नहीं रहे हैं, हम तो तुमसे पूछ रहे थे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके दांत, मेरा मतलब है आपकी डांट दरकार, कोई भी सवाल सर आंखों पर। वैसे एक बात बताइए, वो आईना कहाँ है? टूट गया, चकनाचूर हो गया, बिखर गया, और उसके साथों साथ वो जादू भी जिससे बगदाद का हर एक बाशिंदा जिंदा मुर्दा बनने वाला था, वो भी चूर चूर हो गया। ये सब शहजादी की वजह से हुआ है। आप शहजादी नहीं आका, सुल्ताना। सुल्ताना मेरा मतलब है आका, अब हम क्या करेंगे? वही जो हम शुरू से करना चाहते थे। शहजादी की जान ले लेंगे। अरे नछुड़ी, तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी है काले चोर। रश्नोर दावत की बात छेड़ने तक तो सब जीता, लेकिन उसके बाद तुमने उस सफर को सारी जिम्मेदारी क्यों सौंप दी? क्यों नचड़ी? इसलिए क्योंकि क्या? क्योंकि क्योंकि हम बगदाद से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो और तुम हो कि उसे हमारी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश किए जा रहे हो। इसलिए क्या? इसलिए उसने हमारे अब्बू की जान ली, तो
तुम्हारे अब्बू की जान ली, हमारे अब्बू की वसीयत बदली उसने, वो तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा था, याद करो। ये सब बातें जानने के बावजूद हम वो हमारे बगदाद का वजीर क्यों है? क्योंकि सुनो बस, तुम्हारी वजह से इतने वक्त तक हम चुप रहे, लेकिन अब हम बगदाद की सुल्ताना बन चुके हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। टमाटर खा रहे हो काले चोर, कुछ कहोगे भी? क्योंकि तुम मुझे कुछ कहने का मौका नहीं दे रही, इसलिए मैंने सोचा कि टमाटर ही खा लूं। पत्थर के बच्चे। एक्चुअली तीसरा टमाटर बचा है, खाना है? मार देंगे, जिंगे पकड़ के तुम्हें इससे पकड़ के मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, इसको पकड़ के। नहीं 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 नहीं, यहाँ बैठो 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 ना चढ़ी, और मेरी बात सुनो, तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हमें अपना नाटक जारी रखना होगा, क्योंकि जिनू का चिराग अभी भी उसके पास है, और अगर अगर जफर को थोड़ा सा भी शक हो गया और उसे हमारा सच पता चल गया ना, तो ऐसे चुटकी में वो सब कुछ खत्म कर देगा। तो फिर हमें सब्र रखना होगा, अपना सच छुपा कर रखना होगा, जिनू का चिराग वापस लेना होगा, और एक एक कदम होशियारी से उठाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो काले चोर, लेकिन हमारी अगली चाल क्या होगी? चाल तो अब हम ऐसी चलेंगे कि चुटकी बजाते से ही सुल्ताना का खेल खत्म। वही ना, हमें जादूगर ने मल्लिका तक पहुंचाने वाला था, उन्होंने उसे छोड़ दिया। हिसाब की तो भरपाई होगी है ना? उन्होंने हमारे आईने को तोड़ा, उनकी सांसों की डोर को तोड़ देंगे। वल्ला वल्ला, अभी भी छा गई करीबी, कमों के गुस्से की आग बुझानी पड़ेगी, वरना पता नहीं ये क्या करेगा। गुस्ताखी के लिए माफी आका, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आई, अगर कल सुल्ताना को कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो वजीरे आला पे शक करेंगे, और वो कौन है? आप, या फिर उनके मंगेतर पे, और उनका मंगेतर कौन? वो भी आप। आवाम को ये लगेगा कि आप उनकी ये शहजादी से सुल्ताना की तब्दील हजम नहीं कर पाए। हमारी बात में दम है, इसीलिए कह रहा हूं रुक जाइए रुक जाइए। मतलब हम कुछ ना करें? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी ना करें, आप यकीनन कुछ ना कुछ करें, लेकिन जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि शांत दिमाग से लिया हुआ फैसला बहुत मजबूत होता है। और जब ठंडे दिमाग से सोच समझ के जब आप फैसला लें, तो आप मुझे जरूर बताएं। मेरा मतलब है तो मैं आपकी मदद करूंगा ना। फिलहाल हम सो ही जाते हैं। सोचेंगे? कल सुबह होने तक हमें कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। कल की शाही दावत देखने लायक होगी, तुम देखना। कम्मू ने कुछ तो सोच लिया है, पर मुझे बता नहीं रहा है, ना जाने कल क्या करेगा। काश हमेशा वाले भाई ने कम्मू की चाल की काट सोच लियो। जफर बगदाद का वजीर है, इसलिए दावत की जिम्मेदारी उसे देनी बनती थी ना। या अल्लाह, मतलब क्योंकि वो वजीर है इसीलिए तुमने इतना बड़ा जिम्मा उसे सौंप दिया काले चोर। हाँ, और इसलिए भी कि जिम्मा जिस पर होता है गड़बड़ होने पर उसी की खबर मिल जाती है। काले चोर, हम ना तुम्हें काफी वक्त से जानते हैं, लेकिन कभी कभी ना तुम्हारी बातें हमें बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या ना,
मैं तुम सबसे बहुत शातिर हूँ ना, इसलिए। शातिर कहीं के समझाओगे? सब समझाता हूँ नछड़ी, टोली को ही बुला लेते हैं, पर यहाँ नहीं। ठीक है। आज बड़ा मजा आने वाला है। आज हम वो करेंगे जो इतने वक्त से करना चाह रहे थे, यकीन मानिए। वजीर आला, कौन सा फूल इस्तेमाल करूँ, लाल या पीले? वजीर आला, हम मोमबत्ती जलाएं या चिराग? वजीर आला, सब्जी बिरयानी बनाओ या आलू बिरयानी? कौवा बिरयानी बनवाइए। हमारा मतलब है कि ये जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हैं। चलिए जाइए, 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 और हमें परेशान मत। कम्मो को सबने चिढ़ाया, कितना मजा आया। हाँ तो हम बता रहे थे। वजीरे आला, हुजूर सुल्ताना के आने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी रह गया है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, हम इंतजार करेंगे, आप जाइए। सुल्ताना को उनकी जिंदगी की आखिरी दावत की तैयारी पूरी हो चुकी है। माशाल्लाह शहजादी, आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं जितनी आप पहले कभी नहीं लगी। शुक्रिया जिनीमिनी। शहजादी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक ही होगा, और आका अभी आ ही रहे होंगे। नकचड़ी, आज इतना खास दिन है इसलिए मैं उन्हें लेके आया हूँ जिनकी दुआओं की हवाओं से तुम्हारे मिजाज के पत्ते लहराने लगेंगे। वाह लाडले, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह बोलने लगे। सलाम सुल्ताना। सलाम बुलबुल चाचा। काश और हम बादशाह सलामत आज तुम्हें देख पाते। मुझे और बगदाद के बच्चों बच्चों को पूरा यकीन है कि आपकी हुकूमत में इस मुल्क में खुशियों के फल लगेंगे, भर भर के लगेंगे। बस अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए। शुक्रिया बुलबुल चाचा, हम आप सब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जानती हैं सुल्ताना, अभी तक मैंने अपनी हर इजाद सिर्फ अपने लाडले को दी थी, लेकिन आज मैं आपके लिए भी कुछ लाया हूँ, अपनी नई इजाद। जम जा पल पल। जम जा पल पल। हाँ टेंट टेंट। लाडले आ। अब इसे ऐसे पकड़ो, यहां से देखो, ये घुमाओ और ये और इससे क्या होता है? बेशकीमती लम्हे तस्वीरों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। बुलबुल चाचा, आपकी ना उम्र हो गई है। हाँ उम्र हो गई है, तभी तो ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। लगता है सबूत के चांद के बगैर तुम्हारे दिमागों के आसमानों में हमेशा अंधेरा ही छाया रहेगा। मैं दिखाता हूं ये कैसे काम करता है। लाडले जरा वहां जाओ सुल्ताना के पास। लाडले थोड़ा नजदीक आ। निकला नहीं, निकली तस्वीर निकली। ये देखो। अरे वाह बुलबुल चाचा, बेटी की तुम। अगर जान चंगेजी यहां होते
तो उनका 1,500 साल का तजुर्बा जरूर चुप हो जाता। बुलबुल चाचा एक मेरी भी तस्वीर। तुम लोग कबूतरों को डाले दानों की तरह बिखरे मत रहो, एक साथ खड़े हो जाओ, एक साथ। ये देखो। अरे वाह बुलबुल चाचा, क्या बात है। वाह चाचा वाह। सुल्ताना आज के दिन के लिए मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। बुलबुल चाचा ये हमारे लिए कोई छोटा सा तोहफा नहीं, बहुत खास तोहफा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी मदद से हम आज के दिन के लम्हों को तस्वीरों में संभाल के रख सकते हैं। हाँ हम रहे ना रहे लेकिन ये तस्वीरें हमेशा रहेंगी और हमारी आगे आने वाली नस्लों को आज के दिन के बारे में बताएंगी और ये भी बताएगी कि बगदाद की सुल्ताना कितनी खूबसूरत थी। वाह क्या बोला भाई मेरे भाई, मजा ही आ गया। माफ कीजिएगा शहजादी। भाई मेरे भाई आज के दिन को यादगार बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या बात कर, ध्यान रहे सूबेदार गुलबदन, कोई भी लम्हा छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं सुल्ताना। मेरे कटोरे में इजाजत का सिक्का डाल दीजिए। शुक्रिया बुलबुल चाचा, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गुल्लू टोली हम सबको। तुम सब जाओ और अपनी अपनी जगह ले लो, मैं आता हूं। ठीक है आका जी। सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को ना खोना, आज ये ना कल आएगा। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। खचड़ी मेरा यकीन करो सब ठीक होगा। पर कोई गड़बड़, काला चोर और काली चोरनी जब साथ होते हैं तो गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसा हमने सोचा है वैसा ही होगा। और हमारी जोड़ी पर यकीन, हम जब जब साथ लड़े हैं जीते हैं, आज भी जीतेंगे। वजीर आला जरा मुस्कुराइए ना। बेहतरीन मेरे काबिल दोस्त, क्या जश्न है, क्या क्या दावत है, कमाल कर दिया आपने वजीर आला। जी शुक्रिया। कमों का दिमाग कहीं और है। भाईजान सभी इंतजाम हो गए हैं, शाही लोग यहां बैठेंगे और बाकी सब शाही बाग में। मैं काम करना, सुल्ताना एक बार अपना पहला निवाला ले लें, हम देखना कि बाकी लोग भी अपना खाना शुरू करते हैं। जरूर। हालांकि पहला ही निवाला लेते बाकियों के खाने शुरू होने से पहले मजेदार तमाशा शुरू हो जाएगा।
बगदाद यास्मीन आ रही है। शुरू कर दें तो बाकियों को भी दावत शुरू हो जाएगी। सुल्ताना ये हर एक चीज आपने अपने हाथों से बनाई? नहीं नहीं नहीं, हमने खुद चुनी है। फूल जो यहाँ लगे हैं, खाने में क्या होगा, बर्तन वगैरह सारी चीजें सुल्ताना बहुत खास है। हमने इस दावत का भी इंतजाम किया है और आपका भी। अलविदा सुल्ताना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.